अश्लील फिल्में और अश्लील किताबें आज की युवा पीढ़ी पर काफी बुरा छाप छोड़ रही है। बुरी संगत में आकर नई पीढ़ी के युवा क्राइम कर सामाजिक माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इन सभी का सबसे ज्यादा खामियाजा महिला वर्ग को उठाना पड़ता है। महिलाएं आए दिन ऐसे युवकों की शिकार बनती रहती हैं। समाज में फैले अश्लील चीजों को जड़ से समाप्त करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन डिस्ट्रॉयल और ऑपरेशन आत्मरक्षा शुरू किया जा रहा है। इन ऑपरेशन के तहत पुलिसकर्मी और समाजसेवी संगठन एक साथ मिलकर शहर में फैले अश्लील किताबों की दुकानों और अंग्रेजी फिल्म की बहाने अश्लील परोसने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी दुकानों को बंद कराने का काम करेगी। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए एसपी क्राइम आलोक शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को एक बैठक पुलिस लाइन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में बाल संरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुमन शुक्ला, विधिक प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर नुसरत खान, समाजसेवी व वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुमताज खान सहित चाइल्ड लाइन और जिले के सभी थाना क्षेत्र में नियुक्त बाल अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुस्कान ऑपरेशन, डिस्ट्रॉयल ऑपरेशन और आत्मरक्षा ऑपरेशन के सफल संचालन के लिए रणनीति बनाई गई। और बच्चों की डीलिंग के संबंध में मैंने आपको निर्देश पढ़ाते हैं जो राज्य के डेटाबेस में हैं, परंतु जो गुमशुदा हैं उनकी सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता है। जैसे त्यागे हुए बच्चे, लापता बेघर बच्चे, उनको भी अभियान में शामिल किया गया। तो ये ऑपरेशन मुस्कान के संबंध में मैंने आपको मेजर मेजर चीजें बताई हैं। ऑल द स्टेक होल्डर्स हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क शुड कम टू नो कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन। इसमें अगला है ऑपरेशन डिस्ट्रॉय। ऑपरेशन डिस्ट्रॉय बेसिकली अश्लील साहित्य और सामग्री को नष्ट करने वाला। आप अच्छी तरह से अवेयर हैं, हम सब अवेयर हैं इससे कि बहुत सारी जगहों पर अश्लील सामग्री किताबें जो नई उम्र के बच्चे है ना, बुक्स की फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में मौजूद हैं, तो उन्हीं को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन डिस्ट्रॉय। इसमें लिख रहा है कि जनपदीय पुलिस द्वारा एक अभियान ऑपरेशन डिस्ट्रॉय चलाया जाएगा, जिसमें गठित टीम अपने क्षेत्रों में जहां जहां अश्लील सामग्री वितरण होता है अथवा छोटी उम्र के लड़कों को अश्लील शो या साहित्य दिखाया जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई ऐसा सिनेमाघर तो नहीं है जिसमें कुछ इस तरह का मॉर्निंग शो। और इस छापेमारी में कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसा तो नहीं कस्बों में जो यहाँ मॉर्निंग में इंग्लिश शो के नाम पर वो चलते सब इंग्लिश शो के नाम पर ही इंग्लिश मूवी चल रही है ना, और अगर अश्लील मूवी चलाया जाता, पकड़ा जाता है कोई, उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। अब नहीं सर, अब तो कहीं नहीं है, देख लीजिए सर, हाँ सभी इसलिए मानते हैं टेक्नोलॉजी है चेंज जी, दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम द सिनेमा हॉल टू योर मोबाइल लैपटॉप। और आप दुनिया को अपने हिसाब से देखते हैं, यद्यपि बहुत हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी देहात के बहुत सारे एरिया, छोटे कस्बों के बहुत सारे एरिया ऐसे हैं सभी तक फोन नहीं, जहाँ फोन तो है लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है ना। लेकिन ये जो एडिशन मटेरियल है इसकी पहुँच हर जगह तक, सवाल ही नहीं उठता। इन दी फॉर्म ऑफ सीडीज, इन दी फॉर्म ऑफ पेन ड्राइव, इन दी फॉर्म ऑफ अदर प्रिंटेड मटेरियल, इन दी फॉर्म ऑफ स्टोरीज, ठीक है ना। और इसमें भी प्रत्येक थाने के जो हमारे बाल कल्याण अधिकारी हैं, देविल एएसटीयू की टीम रहेगी, बाल कल्याण अधिकारी रहेंगे, आपकी भी सहयोग रहेगा इसमें। मैं चाह रहा हूँ सर कि भाई से बैठ करके डिटेल में इसका स्ट्रेटजी चॉक आउट कर लीजिए, किस एरिया में कितने करा जाए, सर चिन्हित कर लिया जाए, सूचना मंगा कर उसके बाद फिर बहुत सारी जगहों पर डाउनलोडिंग होती है। कुछ जगह ऐसी है, आपने सारे पॉइंट बताया, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कि इंडिसेंट चीज़ों की डाउनलोडिंग पर हमें सख्ती करने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा, और हमें ये पता सारी चीज़ें करनी है कि कहाँ ये चीज़ें चल रही हैं और कहाँ ये करना। ऑपरेशन आत्मरक्षा,
नम्रता, तुम तो जूड़ो कराटे भी जानती हो, हैं? क्यों नहीं सर, मुझे नहीं जानती हो? कोई कोर्स किया तुमने? नहीं सर। ऐसा ना हो कि मुझे बाद में पता चले, तो पता चल ही जाएगा। देखिए, आत्मरक्षण, आत्मरक्षा जो है वो हम स्कूल और कॉलेजेस में चलाएंगे, और ये एक तरह से जैसे कहना चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम है ना, वो एक्शनेबल है। ये अवेयरनेस ये बेसिकली उन कॉलेजेस में चलाएंगे जो या तो महिला के लड़कियों के कॉलेजेस हैं या कोएड वाले भी हैं, है ना। और इसमें एनजीओज का सहयोग हमें चाहिए और आपके विभाग का। हाँ, तो आशा ज्योति केंद्र तो आप और की हमारी दोनों की जॉइंट लाइबिलिटी है क्योंकि सर उसमें भी चलाना है, उसका भी हम आशा ज्योति केंद्र को भी वहाँ प्रोजेक्ट करेंगे गर्ल्स को। हम आत्मरक्षा के संबंध में क्या टिप्स दी जानी है लड़कियों को, वो भी चीज़ें हम बताएंगे उन्हें। वी कैन परमिट मोर देन दिस एंड वी शैल नॉट। सारी जो से कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे इंस्पेक्टर साहब और वो डोनर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि किस जगह आशा ज्योति केंद्र सेंटर मैनेजर वहाँ सर, वहाँ उसका भी कुछ काम है जो अवेयरनेस करके आप लोगों का जो भी चल भी रहा है सर, आप लोकल को ट्रेनर मिला नहीं कोई महिला ट्रेनर बताए? पुलिस में है, पुलिस में ही सर्च करिए, उन्हें आप टीम में रख करके, है ना, जूडो कराटे की महिला ट्रेनर और महिलाओं की सेफ्टी से संबंधित जो टिप्स हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप कभी अपना मोबाइल फ़ोन रखें तो उसमें जो इमरजेंसी नंबर है उन्हें कभी नाम से फीड न करें, उन्हें AAA AAA इस नाम से फीड करें, तो जैसे ही आप फ़ोन खोलेंगे तो सबसे पहले वही आएंगे अल्फाबेटिकल। मतलब इस तरह की छोटी छोटी सावधानियां जो हैं उनको एक कंपेंडियम बना लिया जाए जो बच्चों को लड़कियों को बताया जाए। छोटी छोटी सिक्योरिटी टिप्स हैं, इन सब सिक्योरिटी टिप्स को और मार्शल आर्ट से संबंधित चीज़ें और जितना भी महिला सेफ्टी से जुड़ी चीज़ें हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आप एक बार जो है आप किनको डेप्यूट करेंगे इसका, इसी कॉम्पिटेंट है ना नहीं है, सब काम के लिए बड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा। हमें ये हम इसे आगामी 3 दिन में शुरू कर देंगे। तो आप किस में रहना चाहेंगे? बच्चों वाले में सर जो ऑपरेशन मुस्कान है भैया, ऑपरेशन मुस्कान में जब आप रहेंगे, ये बाल संरक्षण अधिकारी हैं डॉक्टर सुमन शुक्ला, इन्हें आप अपने साथ रखिएगा, ठीक है ना।